Pakistan. मैं भी आ गया हूँ भाई, मुझे भी इनवाइट कर लिया गया है। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं हनोई वियतनाम में हूँ और यहाँ पे स्कूल में एक फंक्शन है। स्कूल चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ के स्कूल कैसे होते हैं और वहाँ पे कोई केक बनाने का कंपटीशन भी है। देखते हैं यहाँ पे स्कूलों में क्या मामलात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पर राजा महमूद भाई का इंतजार करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सिस्टर? उर्दू नहीं समझती हैं? अच्छा, ओके, या गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, कम ऑन। ठंडा मौसम और कॉफी। हेलो हेलो, बच्चे हैं इसमें, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं दो, और राजा महमूद भाई चीफ गेस्ट हैं आज के यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी का नाम जो है ना, वो वहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है। नाम बताइएगा कंपनी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कंपनी हमने यहाँ पे 2005 में बनाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 12 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस सारे इवेंट को आपने स्पॉन्सर भी किया हुआ है। हमारा स्पॉन्सर। माशाल्लाह। आज सर्दी भी है और लड़कियां जो है वो कांप रही थी सर्दी से ना। ये कांपते कांपते डांस करेंगे। जी 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 जी। और शलवार कमीज है ये इनकी ना, इनका भी रिवायती ड्रेस जो है शलवार कमीज है। अज़रबैजान के अम्बेसडर है वियतनाम में। माशाल्लाह राजा भाई दी ग्रेट। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी आ गया हूँ भाई, मुझे भी इनवाइट कर लिया गया है। ये भाभी जान हमारी, उनको भी इनवाइट किया गया। ये जड़ा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान शेफ कुक कंटेस्ट कराना चाहता हूँ, वर्ल्ड बारबेक्यू एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जितनी भी कम्युनिटी दूसरे मुल्कों में है ना, वो बड़े अच्छे तरीके के साथ मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ जहाँ भी गया हूँ ना, अपने लोग जो भी मिले हैं वो मुल्क के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और उनमें से अपने राजा महमूद भाई भी एक हैं। राजा भाई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं। Quý vị thân mến, bạn đã có thể chọn ra được những chiếc bánh trưng đầy đủ hương vị và được gói một cách khéo léo. Ye tohfa aapko dunga Pakistan leke aa raha hu. Thank you so much. Thank you so much. आपको पूरी कौम की तरफ से सलाम है, जो आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है, हम यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं यहाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
पे लायन और ड्रैगन टीम जो है वो पहुंच गई है। अब चावल डाले जाएंगे, दाल, फिर में फिर से चावल, इसी तरह सारे लोग जो है मुख्तलिफ चीजें पैक कर रहे हैं। सबने अलग अलग वो सजा दिए हैं टोकरियाँ। ये जो है ना यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट है। जी जी जी, ये हर स्टूडेंट ने अपना अपना आर्ट जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले किया। जी बिल्कुल, ये मुर्गे वाला मैं बनाऊंगा, कमल सही बने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आती है। ये जी फाइनली टेबल सज चुके हैं, नंबर दिए जा रहे हैं। ये देखे कितना प्यारा बनाया हुआ है, ये दिखा रहे हैं कि ये बना के दें हमें। अभी आखिरी ग्रुप वाले बात कर रहे हैं, इसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा। कमन, थैंक यू। आग सेक रही है सारी टीम। जबरदस्त, ये उबली हुई नहीं है, बॉयलों पे भुनी हुई है और बड़ी मजे की है, सही मीठी है शक्करकंदी। पोटैटो, थैंक यू, कमन, या हॉट, कमन, थैंक यू सो मच। आप तो इनकी जुबान पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं सारे मामलात हैं ना। हम तो कोई भी नई चीज खाते हुए डरते हैं ना। नहीं, ये स्वीट पोटैटो का मतलब नहीं, ये तो है, ये तो कोई मसला नहीं है, वो अच्छा फिर ठीक। ये आलू है, वो है शक्करकंदी, वो शक्करकंदी है, बड़ी मजे की है। मजे की है। भुना हुआ आलू अगर आपने खाया तो ये कमाल का होता है। बचपन में हम चूल्हे में दबा देते थे आलू भूनने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने भी ऐसा ही किया हुआ है। ये देखें शकरकंदी भी रख दी हुई है और आलू भी रखे हुए हैं। शेफ अभी खाना चेक करने लगा भाई, चावल खुल गए हैं, फाइनल रिजल्ट ये आया है।
चावलों को काट लिया गया, अब टेस्ट कर रहे हैं। अब बड़े से बर्तन में इन्होंने चावल रखना शुरू कर दिए जो पैक हुए थे, ये तरतीब लगा रहे हैं। यहाँ पे आग जल चुकी है, ये भी कुछ आ रहा है भाई, इसमें पानी है पानी। इसमें पानी डाल दिया, चूल्हे पे रख दिया इसको पानी डाल के। मेरा नहीं ख्याल इसमें पानी जाता होगा क्योंकि बड़ा टाइट करके इनको पैक किया हुआ है, और मुझे ये था स्टीम करेंगे लेकिन इसी में पानी इन्होंने डाल दिया है। स्टिकर उतार रहे हैं और डाल रहे हैं इसमें जनाब, ये डाल दिया। सुट्टो सुट्टो टोकरियाँ जो अनोवे टोकरियाँ बड़ी मज़े की हैं। इस तरफ है जी लंच का प्रोग्राम, ये जी टेबल सज गया जी, ठीक है। ये क्या है, हलाल है तो यही है ना। हम कुछ नहीं खा सकते हैं यहाँ पे, पानी पी सकते हैं नहीं, इसमें से कुछ नहीं खा सकते हैं। ये जो है ये ग्रैंड पिनड है, ये अभी ये वेजिटेबल आई है, ये हम खा सकते हैं, बॉयल वेजिटेबल है। ये सब्जियाँ खा सकते हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये उबली हुई सब्जी है, उबली सब्जी है, उबली हुई। ये उबली सब्जी को आपने इसके अंदर डिप करके खाना है, ये फिर सॉस है। सॉस सही है, सॉस 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 ये वाला सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा सा इसका टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। नहीं हलाल है ना, और सॉस तो हलाल है सॉस। वो जो डोंगे में पड़ी है ना, वो वाइन है, राइस चावलों की वाइन है ये। हाँ ये हलाल नहीं है, यहाँ पे बहुत एहतियात करनी पड़ती है। जी 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 जी, चिकन है पर हम नहीं खा सकते। हाँ चिकन हलाल नहीं है, सब्जियों पे गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, अपने रेस्टोरेंट जाके खाएंगे हलाल, खाना वहाँ जाके खाएंगे रेस्टोरेंट में। ये जो चीज़ें ये नूडल है, सब्जी है, ये रोल बनाते हैं फ्रेश रोल, ये भी आप खा सकते हैं। ये मछली है जी, ये आप खा सकते हैं, ये हलाल है। नहीं ये जिस ऑयल में बनाई गई है, नहीं 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 वो उसमें नहीं है। ये मछली जो है ना, ये जो ये ग्रिल है, ये जिस ऑयल में बनाई गई है वो साफ है, वो मसला नहीं है। अच्छा मछली जो है ना वो ऑयल का मसला नहीं, वो तो है लेकिन ऑयल का मसला ना हो। नहीं 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 कोई मसला नहीं। हम ऊपर वाले टेबल पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेन गेस्ट जो है इधर बिठाए हुए हैं, और मौत खाए बा बड़ा मजे का, बहुत इंजॉय किया राजा भाई, आपकी मोहब्बतों का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे टाइम पे आ पाए, न्यू ईयर टाइम पे। अभी तो और भी बड़े इवेंट है जो हमने, अभी वापस निकलेंगे रेस्टोरेंट की तरफ। राजा भाई ये भी बताया खाना जो है ना वो तो फिर घर का ही है, और अभी हम घर जा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट अपना घर है समझे, वहां पे जाके दबा के खाते हैं। ये सामने यूनिवर्सिटी है, और ये वियतनाम की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और 1000 साल से ऊपर हो गया इसको ये यूनिवर्सिटी। भाईजान से मैंने कहा कि आज ना दाल है तो वो खिला दे, क्योंकि जब से आया हुआ ना गोश्त खा रहा हूँ तो आज दाल खाई जाएगी, दाल दाल। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे लच्छा पराठा आ चुका है, दाल आ चुकी है, अब ये वाली रोटी खा के जो सुकून मिल रहा है ना, ये सिर्फ अपनी रोटी खा के सुकून मिल सकता है। आप दूसरे मुल्कों के कहीं के भी खाने खाएं तसल्ली नहीं हो सकती है, ये तसल्ली होगी आप इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही खाने से पेट भी भरता है, ज़हनी तौर पे भी बंदा मुतमईन होता है, और मज़ा भी अपने ही खाने का आता है। जैसे ही रेस्टोरेंट की तरफ आता हूँ ना तो मुझे ऐसा ही होता है पाकिस्तान ही जा रहा हूँ। गपशप भी हो जाती है, नहीं तो इधर अकेले होटल में रह के, और अगर बाहर भी कहीं घूमना है तो दूसरे लोग ही हैं, तो यहाँ पे अपना ही था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा भी यही हाल, जब आप आए तो गपशप होने दिए, वैसे ही लगता पाकिस्तान अमेरिका। जी जी अभी मज़े से खाना खाते हैं। ओके शहजादो बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़े का था खाना,
आपकी मोहब्बतों का जनाब बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। कबाब लग रहे हैं भाई। जब इस तरफ कैमरा हो ना तो फिर बंदा यही सोचता मैं पाकिस्तान में हूँ। जब इस तरफ होगा फिर देखेंगे लोग तो और हैं। बहुत शुक्रिया। रेस्टोरेंट का जो इंस्टाग्राम है ना वो मैं मेंशन कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ज़रूर चेक कीजिएगा। आप कभी भी हनोई आएँ तो यहाँ से खाना ज़रूर खाना, आपको घर वाली फील आएगी, मोहब्बतों की भी और खाने की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यहाँ से वो सामने जो सब्ज़ बोर्ड नज़र आ रहा है वो नान एंड कबाब है और ये मेरा होटल है। मैं रेस्टोरेंट के बिल्कुल नज़दीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का दिन जो है बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। गाँव में जाना है, हॉलोंग में जाना है, बहुत सारे काम करने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ बशर्ती को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।